स्मार्ट सिटी धर्मशाला के नगर निगम के समय से वर्षों से पेंडिंग चल रहे 2.5 करोड़ रुपए से अधिक हाउस टैक्स को वसूलने की नगर निगम ने तैयारी कर ली है। नगर निगम धर्मशाला ने टैक्स दबाकर बैठे लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बड़े डिफॉल्टरों को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। वहीं निर्धारित समय पर पेंडिंग हाउस टैक्स की अदायगी न करने पर कड़ी कार्रवाई भुगतनी होगी। निगम ने पिछले वर्षों से पेंडिंग हाउस टैक्स में से 3 माह में सिर्फ 20 लाख रुपए ही वसूल कर पाई है। नगर निगम धर्मशाला को हाउस टैक्स दबाकर बैठे लोगों के कारण बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 2.5 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स नगर निगम में लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, जिसके चलते अब निगम ने हाउस टैक्स के पुराने मामलों का निपटारा करने की योजना बना ली है। निगम को हर वर्ष लगने वाले लाखों रुपए के चूने से बचने के लिए पुराने टैक्स को वसूलने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके तहत निगम ने सभी हाउस भवन और प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले नगर निगम के बड़े डिफॉल्टर लाखों रुपए के टैक्स दबाकर बैठे हुए थे। बार बार निर्धारित तिथियों में टैक्स जमा करवाए जाने की बात कहकर दोबारा कार्यालय नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों पर निगम ने कड़ी कार्रवाई का डंडा बरपाया है। निगम ने कार्रवाई करते हुए पेंडिंग हाउस टैक्स की वसूली भी पिछले 3-4 माह में कर ली थी। अब लोगों को नए वित्त वर्ष के तहत ही हाउस टैक्स के बिल प्रदान किए जा रहे हैं। नगर निगम धर्मशाला के उप महापौर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि निगम ने पुराने हाउस टैक्स की अदायगी के लिए डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर दिए हैं और साथ ही उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दें, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धर्मशाला नगर निगम में कोई 2.5 करोड़ के करीब हमारा हाउस टैक्स और जो हमारी प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी है उसका रिकवरी हो नहीं पाई है, जिसके लिए हमने नोटिस इश्यू किए हैं प्रॉपर्टी टैक्स वालों को भी और रेंटल के अगेंस्ट भी। और 15 दिन के अंदर अगर वो पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो नगर निगम धर्मशाला जो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। और कुछ रिकवरी हमारी हुई है 30-35 लाख के करीब।